हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर कश्यप और मैं यूट्यूब पे ना हॉरर वीडियोस बनाता हूँ। आपके अंकुर भाई ने देखी बेताल और नेटफ्लिक्स, ये एक हॉरर सीरीज है और एक हॉरर सीरीज और भी हॉरर बन जाती है जब वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। आई एम नॉट एक्चुअली श्योर दो कि ये बेताल इसी चीज पे बनी है, बट हर स्टोरी एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड अप तो होती ही है। शो के बिगनिंग में ये दिखाया जाता है कि एक ना लेडी है जो बेताल देव के स्पिरिट से कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही है, और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले ना वो एक रिचुअल सा करती है जिसमें उनको ब्लड पिलाया जाता है, और उसी सेम प्याले से ना दैट ब्लड इज फेड टू द स्कैरी लुकिंग फिगर जिसको वो लोग बेताल देव कह रहे होते हैं। सिर्फ वही एक लेडी है पूरे विलेज में जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके वहां से आंसर्स निकाल सकती है। वो किसी मरे हुए इंसान की आत्मा से दे कैन कम्युनिकेट। देयर इज दिस ट्राइब इन असम कॉल्ड तीवा। ये जो तीवा ट्राइब है ना, इसमें मदर तांत्रिक्स होती हैं हु आर बिलीव टू बी टच्ड बाय द गॉड्स। स्पिरिट उनके ऊपर आती है और जो मदर तांत्रिक होती है शी एक्ट्स लाइक अ मीडियम। सेम आपने शो में भी देखा होगा कि जब वो रिचुअल कर रहे होते हैं तो जो लेडी होती है वो ना बेताल देव की मूर्ति को पकड़ती है, उसके बाद उनको विजुअल्स आने लगते हैं। सो दिस रियली फ्रीक मी आउट। इन मदर तांत्रिक्स में जो तीवा ट्राइब में है, एक मदर तांत्रिक है जिनका नाम है माँ मुनि। जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही होती हैं तब उनको बहुत ही टायर्ड फील होता है, शी फील्स रियली टायर्ड और उनका सर घूमने लगता है। तो ये चीज़ भी शो में दिखाई हुई है कि जब वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रही होती है शी फॉल्स ऑन द ग्राउंड। सो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक स्कैरी एक्सपीरियंस था। India is full of British ghosts, the ghosts of soldiers, adventurers, engineers, magistrates, Mem Sahibs, their children, even their dogs, Ruskin Bond. उन्हें सुरंग मत खोलने दो, इसे बंद ही रहना चाहिए। This is what the old clairvoyant lady says at the beginning of the show. हमान, इस पंजे को खोलने नहीं देंगे, पंजा खुला दे, जैसा आप सबको नष्ट कर देगा। शो में एक टनल है, दैट टनल इज सेड टू बी हॉन्टेड, और उसे हॉन्ट कर रही है कर्नल लाइनडॉक की स्पिरिट। वो एक ब्रिटिश कर्नल है। कर्नल लाइनडॉक और उनके रेजिमेंट के काफी सारे सोल्जर्स ना उस टनल में दफन है। जब वो बेताल को समन कर रहे थे, समन करने के बाद वो सारे के सारे उस टनल में बंद हो चुके थे। अगर वो हॉन्टेड टनल कभी भी खुला तो अ लॉट कुड गो रॉन्ग, क्योंकि बेताल का जो कर्स है वो लिफ्ट हो जाएगा फिर। यूं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में काफ़ी सारी ऐसे हॉन्टेड स्टोरीज है, और उन्हीं में से एक है टनल नंबर 33 जो कि है बड़ोग स्टेशन पे इन सोलान डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये टनल भी हॉन्टेड है, एंड दैट टू बाय अ स्पिरिट ऑफ अ ब्रिटिश कर्नल जिसने वहाँ पर जाके खुद को गोली मार ली थी। इस स्टोरी के काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ना उस चीज़ के बाद उस ब्रिटिश कर्नल की स्पिरिट बहुत बार देखी है वहाँ पर, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस टनल के अंदर उनको काफ़ी आवाज़ें भी आती है किसी इंग्लिश मैन की बात करते हुए। उस ब्रिटिश कर्नल की जो डेड बॉडी थी ना, उसको उस टनल के पास ही दफन करा गया था जिसकी वजह से वो टनल हॉन्ट हुआ है। बेताल में जो हॉन्टेड टनल है ना, उस हॉन्टेड टनल में रहते हैं ज़ॉम्बीज। उनकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा डरावनी है, उनकी आंखें बाहर को बल्ज आउट हो रही होती हैं, उनके बाल ग्रे होते हैं, एंड दे लुक वेरी वेरी स्कैरी गाइस। सच में मेरी उनको देख के मेरी बहुत हालत खराब हुई थी। इनसे मेरे को डायरेक्टली याद आती है पिशाच की। हमारी थियोलॉजी में ना पिशाचों के बारे में ये बातें हैं कि वो फ्लैश ईटिंग डीमंस होते हैं जस्ट लाइक जॉम्बीज। जॉम्बीज को भी शो में दिखाया गया कि दे हैव एन एक्सट्रीम हंगर फॉर ह्यूमन फ्लैश जस्ट लाइक पिशाच। पिशाचों के बारे में ये माना जाता है कि उनको अंधेरा बहुत पसंद है, और वो रात को ना क्रेमेशन ग्राउंड्स पे, जहाँ पर शमशान घाट या फिर जहाँ पर बॉडीज को जलाया जाता है, रात में पिशाच वहाँ पर आते हैं दूसरे भूतों और वेतालों के साथ और उस जगह को हॉन्ट करते हैं। शो में एक जर्नल भी दिखाया गया है विच हैज़ द रिचुअल्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बेताल। उसी जर्नल में एक पेज पे ना बाफोमेट की फिगर थी। अब बाफोमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है सेटनिस्ट के लिए, क्योंकि ये ना काफ़ी सेटानिक टेम्पल्स में बाफोमेट का स्टैचू लगाया गया है। सो द शो हैज़ दैट एंगल टू। शो में जॉम्बीज को कंट्रोल करता है बेताल, और सारे जॉम्बीज ना
वही फॉलो करते हैं जो जो बेताल उनसे करवाना चाहता है। एक बार अगर जॉम्बी ने किसी पे अटैक कर दिया, उसको खरोच भी दिया ना, तो वो जख्मी बंदा भी बेताल का स्लेव बन जाएगा। वेताल एक संस्कृत टर्म है। वेताल के बारे में ये कहा जाता है कि वो डेड बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है, उनसे मूवमेंट करवा सकता है, उनको अपनी व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वेताल कभी भी अपनी मर्जी से उन डेड बॉडीज को छोड़ भी सकता है और किसी और डेड बॉडी में जा सकता है। सेम चीज शो में भी दिखाई गई है। जब वेताल का एक बॉडी से मन भर जाता है, वो दूसरे की बॉडी में चला जाता है। बचपन से ना हमने काफी सारी ऐसी स्टोरी सुनी है जिसमें विक्रम और बेताल के बारे में बातें हैं। शो में भी ना जो मेन लीड है उनका नाम है विक्रम, एंड द विलन, द मेन विलन इज बेताल। इंडिया में एक माइथोलॉजिकल सीरीज भी बनी थी जिसका नाम था विक्रम और बेताल। ये तो वो चीजें थी जो अंकुर भाई ने नोटिस करी बेताल और रियल लाइफ के कनेक्शन में। अगर सारी बातें अंकुर भाई बता ही देंगे तो आपका क्या काम रहेगा फिर? आप जाओ शो देखो और खुद ही कनेक्शन फाइंड आउट करो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, एंड फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस, सब्सक्राइब टू नेटफ्लिक्स इंडियाज यूट्यूब चैनल, और नीचे कॉमेंट तो छोड़ के ही जाना कि आपको और क्या क्या कनेक्शन लगते हैं जो बेताल और रियल लाइफ में हों।